सोहे खुलुम भाई नमस्कार। तो बर्तमान तीन दिन मोटामुटी चार दिन मान मैं ऊल्ब नासी बिकज आई वाज इन मेडिकल बिकज अफ माइ मामा एंड देन आज ऊल्सो सो प्रथम मामी तल भर जा मैं सो द लेजेंडरी हिरो डीलर इज देयर इन द अशोक आनंद प्लाजा बेनिफ्राइन लादम दाखिल एक्सपल्स के दिस इज द फ्लाई ओवर और यू कैन से ओवर ब्रिज आई मीन नॉट ओवर इट इज द फ्लाई ओवर एक्चुअली व्हिच इज इन अंडर कंस्ट्रक्शन। Dusty road, so this is a dusty road because rail line is also in under construction. Everything is under construction, then when it will be become successful? Okay, jokes apart, by the way, I hope it will complete. Oh, what the hell is this right now? There is no road. The road is closed. Maybe I should choose another road actually. It's very good mistake for me. Very good mistake. I shouldn't have come this side. That's a very... Why this man is coming there? I think he knows the road. So I think I should wait for a little moment. Yeah, that's what I thought. And because I'm over here, cycle to. If only I had a second one, it would. Ah, what a fool I am! We can go this side. उधर से जा सकते हैं तो मैं साला उधर से ही जा रहे थे हम भाई। नहीं कभी यही तो कहते हैं ना, कभी कभी दिमाग चलाना भी चाहिए। बिना दिमाग चलाए कैसे है? देखो चलो उधर से ही जा रहे हैं। लेकिन जो लगाम ले जाकर क्या मस्त बनेगा रे, तो कंप्लीट हो जाएगा तो क्या मस्त बनेगा ये रास्ता, बहुत मस्त बनेगा। तो मज़ा आएगा फिर, मज़ा आएगा रे, बहुत मज़ा आएगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दूर से ही सही, थोड़ा जाने को तो मिल जाएगा। अरे यार फिर से क्या हो, रास्ता है, रास्ता है, ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता है, इसमें इसमें रास्ता है बे। हाँ चलो थैंक गॉड, ये हो गया नेशनल हाईवे 31 पे मैं उठा हुआ अभी। एंड इट्स 31, दिस इज द फेमस हाईवे फ्रॉम व्हिच वी कैन रीच गुवाहाटी एंड देन वी कैन रीच कोकराझार, एनीवेयर वी कैन गो फ्रॉम दिस साइड। सो दिस इज द मेन हाईवे। सो वन बिग मिस्टेक, if we ride in the highway then the side mirror should always fix, but main side mirror lagana bhul gaya, actually bhula nahi tha, main khol ke rakha hai ghar mein। so jab tum highway mein chalate ho to ye wala bahut zaruri hota hai that you should always keep on up your side mirrors, so I better and we also take better care of that for our safety, you know। so agli baar se jab highway mein chalana hoga to main zarur ये वाला ग्लास मैं लगा के रखूँगा, आई प्रॉमिस दैट। आई मीन वी शुड, वी ऑल शुड फॉलो द रूल्स, वी ऑल शुड फॉलो बिकॉज इट्स
about our life. That's about safety. That's about the life, you know. It's about the safety, you know. We just don't care such simple things. जिसके वजह से हमें काफी नुकसान वो उठाना पड़ता है. So we should take care of that. So now I can cruise easily on this highway. Beyond 40 to 60, maybe that 60 will be just a mile. So I should now, I'm speeding up my bike now to 50. So I'm speeding my bike now to 50 kilometers per hour. Yeah, it's touching the 50 right now. So I'll cruise easily. My legs are so relaxed. My legs are relaxed. My hands are relaxed too. I am relaxed now. So I will now drive on 45 to 50 kilometers per hour. हाँ तो ये जो एवेंजर बाइक है ये क्रूजिंग के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है. हाँ मुझे मालूम है कि ये क्या होता है कि पतला है थोड़ा सा वायर रेजिंग कारिया इमान बुद्धि नए तरह तथापि तारे इनको रास्तार कारण क्रूजिंग कारण ये बेस्ट बाइक मैं कब जो जाऊँ नॉट ओनली मी द ड्राइवर्स हू आर हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिस द राइडर्स हू हैव बीन एक्सपीरियंस सो आई मीन दोस हू हैड बॉट दिस बाइक दोस हू हैव बीन राइडिंग दिस सिंस a long time, they can easily tell you, they can easily tell the benefits of this bike or sometimes no benefits, no benefits of this bike because ये जो है ना ये hips ये थोड़ा मतलब दर्द वो होता है आप जब काफ़ी लंबा रास्ता चलाते हो एवेंजर के साथ तो थोड़ा सा पीठ में दर्द होता है फिर योर लेग्स ऑल्सो सम काइंड ऑफ यू नो इट्स लाइक You can experience some pain also. It's a bad experience actually. And I've been riding this since a long time. And मुझे लगता है कि ये long cruising के लिए मतलब आप काफ़ी लंबे रास्ता अगर आप क्रूज कर रहे हो तो ये आपके लिए अच्छी बाइक नहीं है. I recommend this. क्योंकि ये मतलब सभी के लिए नहीं है. कुछ कुछ लोगों को experience नहीं होता है मतलब कि मैं पीठ के बारे में बोल रहा हूँ. ठीक है मैं पीठ के दर्द के बारे में बोल रहा हूँ. कुछ कुछ लोगों को अभी तक कोई वो एक्सपीरियंस नहीं मिला है. ठहर जा थोड़ा बहनो ठहर जा और रुक जाओ ए जाने दो पहले मेरे को. हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि कुछ कुछ लोगों को इतना एक्सपीरियंस वो नहीं है मतलब कि वो पीठ के दर्द के बारे में कि मतलब जो लोग रोज़ चलाते हैं मतलब जो लोग लंबी टाइम के लिए क्रूज कर रहे हैं कोई ऑफिस जा रहा है या फिर कोई और मतलब अपने डेली यूज में वो बाइक को यूज़ कर रहा है तो दे विल डेफिनेटली टेल सम नेगेटिव साइड ऑफ इट. दे विल डेफिनेटली टेल यू सम ऑफ द नेगेटिव साइड्स विच इज़ लाइक पीठ का दर्द होना आपके थाइस का दर्द होना आपके जो थाइस होता है वो दर्द करता है. तो ये छोटी मोटी बातें मतलब कि आप कुछ लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और जिसकी वजह से मतलब नज़रअंदाज करने की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जो होता है कि दर्द के बारे में और मतलब जो दर्द होता है वो ज़्यादा हो जाता है. तो आई रिकमेंड नॉट टू राइड द बाइक एवेंजर फॉर द डेली आई मीन फॉर डेली क्रूज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस. आप शॉर्ट रास्तों में कर सकते हैं यू कैन क्रूज इन द शॉर्ट साइड. अभी फ़िलहाल मैं क्रूज कर रहा हूँ नेशनल हाईवे 31 पे. लगभग लगभग मुझे 15 से 17 किलोमीटर क्रूज करना है अभी. ऑलमोस्ट 15 टू 17 किलोमीटर्स आई हैव टू क्रूज नाउ विद माय एवेंजर. पर उतने में ये एवेंजर में वो दिक्कत नहीं होता है. 15 से 17 किलोमीटर में उतना दिक्कत नहीं होता है. पर आप जब 30 या 40 किलोमीटर्स या उससे ज़्यादा अगर आप क्रूज कर रहे हो तो आपको इसका दर्द का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है. आप पता चल जाते हैं आपको कि सच में क्या है. आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि जिसको ये एक्सपीरियंस हुआ है जिस इसका एवेंजर है. तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पिंगल एक्यूट. यू कैन ट्वीट मी ऑन ट्विटर. यू कैन ऑल्सो फॉलो माई फेसबुक पेज लाइक पिंगल ट्रेवलिंग एंड मोटो ब्लॉग्स. सो यही है. ना 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 तो आग लग जाए बस्ती में बाम तू रहता मस्ती में. हाँ जब ये लोग मेरे बच्चे लोग देखेंगे तो सोचते क्या कि यार ये मेरे पापा जब एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे तो मेरे बच्चे लोग
ডেফিনেটলি মই একদিন তো একদিন ডাঙৰ ৰাইডাৰ হৈয়ে যাম, মই ৰাইড কৰিম, ইণ্ডিয়াত ৰাইড কৰিম, আসামত ৰাইড কৰিম, আমাৰ বড়োলেণ্ডত ৰাইড কৰিম, যোন বদল মই ৰাইড কৰিম একদিন হলিও, পুৰা বড়োলেণ্ড ৰাইড কৰিম, পুৰা আসাম ৰাইড কৰিম, পুৰা গোটাই গোটাইখিনি গীতি যাব না মানে চোম অত ৱেল হোৱাট এভাৰ দ্য হাইৱে ইজ ক্লিন, দ্য হাইৱে ইজ গ্ৰীন, সাইড আৰ গ্ৰীন, দিছ চাইড অলছ' গ্ৰীন, চাম কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইজ গোয়িং অন দ্য ৰোড চাইড, ওকে আইনে না হোনে কি বজে সে মুঝে পিছে ঘুম কর এসা দেখনা পড় রা হ্যাঁ তো কৃপয়া করকে গাড়ি কা আইনা জরুর লাগবাই আপ লগ যায় বস্তি মে বাপ তো রেতা মস্তি মে ধুয়া সতাও ধুয়া উড়াও যা পর্বত কি দোলি আড়া আড়ায়ে मौसम का भी ठंडा है, मौसम पे ज़्यादा बारिश, मतलब उस साइड पे बारिश दे रहा है ऑलरेडी, नॉर्थ साइड पे, हमारे नॉर्थ साइड पे ऑलरेडी बारिश दे रहा है और इस तरफ कोई बारिश का कोई निशान अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ आइए 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 लेट्स गो हेनु हेलो ओके स्पीड ब्रेकर में थोड़ा धीरे नहीं करना, धीरे करना था पर मैं धीरे नहीं किया। व्हाट एवर सब लोग ब्लॉग करते हैं, सब मुद्दा ब्लॉग करते हैं, उसका एक ही मोटिव होता है कि दुनिया में जीना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरा भी वही टारगेट है, मैं मुद्दा ब्लॉगिंग करता हूँ, मुझे यूट्यूब से थोड़े पैसे मिल जाए, मेरा गुजारा हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी में तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप चाहे जीरो से स्टार्ट करो या फिर आपके माता पिता आपको कुछ हज़ारों लाखों रुपये दे के आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ दे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और हमारा तो इतना बड़ा खा मतलब कि फैमिली तो एकदम वो क्या बोलते हैं इसको, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना हम लोग, उतना हाई फाई फैसिलिटी तो आपको नहीं मिलता है। तो ये सब मोटो ब्लॉगिंग करके हमें जीने की एक राह दिया है हमारे यूट्यूब ने, सो थैंक यू यूट्यूब फॉर डैट कि ये जीने का जो राह आपने मतलब हम सभी बेरोज़गार लोगों को दिया है, ये वन ऑफ द बेस्ट आई मीन ये सबसे बेस्ट आइडिया है कि हर कोई फ्री मत रहो, थोड़ा कुछ काम करो, थोड़ा कुछ पैसे कमाओ, चार पैसे दो चार पैसे, ठीक ही नहीं राइट गाइस? क्या कुछ गलत बोला क्या? अगर कुछ गलत बोला है तो आप मुझे कमेंट में गाली दे सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन मेरा एकदम खाली है, खाली ही रहता है लगभग, क्योंकि अभी तो नया ही है। सर आप लोग गाली दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, टेंशन नहीं है। ओ भाई मेरे वाओ, ओ भाई मेरे वाओ, हाईवे में चलाने का एक मज़ा और है कि आपको कोई ज़्यादा सुन नहीं सकता, आप चिल्ला चिल्ला के कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं मतलब आप चिल्ला चिल्ला के बहुत कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि अभी मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और ज़्यादातर लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि सब लोग अपने अपने जा रहे हैं, ये लोग भी जा रहे हैं, ये लोग भी जा रहे हैं, ट्रक भी जा रहा है, उधर से भाई जा रहे हैं, मतलब किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी बको कुछ भी बोलो। ओके फिलहाल मिल गए बोरझार, ये है बोरमा का रास्ता, तो लगभग लगभग मेरा 17 किलोमीटर्स का जो क्रूजिंग है वो ख़त्म होने ही वाला है लगभग। ओ चाचा, तो काफ़ी दिनों से घुमा नहीं था, काफ़ी दिनों से क्रूजिंग नहीं किया था, काफ़ी दिनों से बाइक नहीं चलाया था, तो आज चला के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो जितना टाइम मैं मेडिकल में था उतना टाइम थोड़ा फ्रेश फ्रेस, अभी तो फिलहाल फ्रेश फील कर रहा हूँ। और मेडिकल में क्या होता है कि आप घर के अंदर रहते हो, मतलब मेडिकल के अंदर रहते हो, रूम के अंदर केबिन के अंदर रहते हो, तो आपको खुली हवा का जो मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, क्योंकि खुली हवा नहीं आता वहाँ पर, तो आपको सिर्फ फैन का हवा लेना पड़ता है। तो अभी जो है कि एकदम पूरा नेचुरल जो एयर मिल रहा है, अभी मतलब दिल खुश कर दिया भाई, मतलब दिल खुश हो गया भाई, काफ़ी बड़ा एरिया है ये बोरमा। सो अभी पहुंच गए हैं बोरमा, मेरे मामा जी के घर, इधर मामा जी का घर है, तो मामा जी को अभी हम लोग मेडिकल से मतलब ला के उधर रख दिया है, मतलब तो मेडिकल से ये लोग वापस आ चुके हैं और मैं भी उधर खाना खा के ही जाऊँगा। तो ये लोग पहले पहुंच गए थे, वो रही कार, पहले पहुंच गए थे ये लोग, तो अभी मैं भी ओके लेट्स गो इनसाइड।
Manda phone on that. Oh, no, 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 no,